हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GPT-4 के बारे में और ये चैट GPT-3.5 से बेसिकली कैसे अलग है और इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, और ये कितना पावरफुल है GPT-3.5 से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। GPT-4, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ओपन AI ने 15 मार्च को पब्लिकली रिलीज किया है और ये बहुत ही सुपर पावरफुल मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर सकता है और डिफरेंट एरियाज में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी कैपेबिलिटीज 3.5 से कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप ये सेम क्वेश्चन जो है 3.5 से पूछेंगे, बेसिकली इसके जो प्रीवियस वर्जन था, एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ सिंड्रेला इन सेंटेंस वेयर ईच वर्ड हैज टू बिगिन विद द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर्स। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि ये क्रिएटिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर हम GPT-4 को देते हैं ये करेक्टली आंसर कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप सिंड्रेला का प्लॉट जो है सेंटेंस में बताइए जहां पे हर वर्ड एक न्यू लेटर के साथ शुरू होगा, और न्यू लेटर क्या होगा जो हमारे ए टू जेड जो हमारे लेटर्स होते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट वर्ड में ए आ गया फर्स्ट लेटर, सेकंड वर्ड में बी होगा, थर्ड वर्ड में सी होगा, फोर्थ वर्ड में डी होगा। सो इट्स ए बी सी डी ई, ऑल दीज वर्ड्स शुड बी इन दिस सिक्वेंस। सो जो कि इसने GPT-4 ने बहुत ही करेक्टली किया है। अगर मैं ये सेम क्वेश्चन अगर GPT-3.5 से पूछता हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी विंडो खोल रखी है और मैं आपको ये ट्राई करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसे ये पूछता हूँ तो लेट्स सी ये मुझे क्या आंसर देता है। सो टिल द टाइम सी नाउ आफ्टर बींग क्रूअली ट्रीटेड, सो यू कैन सी यहाँ पे इसने बताया कि आफ्टर बींग ए बी सी ये करेक्ट है, इसके बाद फोर्थ वर्ड में ही ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि फोर्थ वर्ड जो है आपका डी से शुरू होना चाहिए, यानी कि फोर्थ लेटर ऑफ ए टू जी ए टू जेड। सो ऐसे ही फिफ्थ वर्ड भी इसका गलत है एंड सिक्स्थ वर्ड भी इसका गलत है। सो ये क्रिएटिवली इसको हैंडल नहीं कर पाया है। अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, बेसिकली क्रिएटिविटी GPT-4 में बहुत ज्यादा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू चेंज आया है, GPT-4 जो है आपका विजुअल इनपुट भी ले सकता है। विजुअल इनपुट इन द सेंस कि बेसिकली आपका जो है ये वीडियो ले सकता है एज एन इनपुट और इमेजेस ले सकता है एज एन इनपुट। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये इनपुट इसको ये इमेज देते हो और आप इससे पूछते हो कि व्हाट कैन आई मेक विद दिस इंग्रेडिएंट्स, मैं इन इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या बना सकता हूँ, जैसे कि आपके घर पे कुछ राशन का सामान पड़ा है, आपने फोटो खींची और इससे पूछा कि इनसे मैं क्या बना सकता हूँ, एंड इट विल गिव यू करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट विल गिव यू फॉर एग्जाम्पल इस इमेज के अंदर, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, इस इमेज में एग्स है, फ्लोर है, मिल्क है एंड अदर स्टफ है। तो आप ये इमेज दे रहे हैं और ये आप पूछ सकते हैं कि भाई इससे मैं क्या बना सकता हूँ, ये आपको करेक्ट आंसर देगा कि आप इसको पैनकेक बना सकते हैं, क्रीप्स बना सकते हैं, फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, और भी बहुत सारे कस्टर्ड बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं। सो ये वाली जो कैपेबिलिटी है, ये वाली कैपेबिलिटी पहले GPT-3.5 में नहीं थी, जहां पे बेसिकली हम कोई इमेज या वीडियो देके हम पूछ सके। अच्छा, उसके अलावा द नेक्स्ट सुपर कैपेबिलिटी इज जो GPT-4 है वो आपका जो है लॉन्गर टेक्स्ट ले सकता है, दैट मीन्स लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि पहले इसकी लिमिट थी सिर्फ 3000 वर्ड्स की। सो बेसिकली GPT-3.5 में क्या होता था कि आप जैसे मान लीजिए कोई एक बुक की बुक देते थे, आप बोलते थे कि इसकी समरी मुझे करके दो, तो मैक्सिमम 3000 वर्ड्स वन टाइम में ले सकता था। लेकिन GPT-4 इज 8 टाइम मोर पावरफुल देन GPT-3.5, ये अब 25,000 वर्ड्स ले सकता है और उन 25,000 वर्ड्स की एक समरी दे सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्टेक्स्ट देंगे तो वो उसकी समरी भी उतनी ही अच्छी होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक स्टोरी बुक है, मैं उसको पहले लेट्स से पहले 3000 वर्ड्स देता हूँ तो वो मुझे समराइज करके देगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं उसको ज्यादा वर्ड्स दूंगा तो उसके पास ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा
और वो मुझे करेक्ट समराइजेशन देगा। कई बार ऐसा होता है, नहीं मैं इसको अगर बहुत ही जनरल भाषा में समझाऊं तो कई बार ऐसा होता है कि मूवीज में भी क्या होता है कि हाफ लेट से हाफ टाइम या एक सर्टेन टाइम तक मूवी एक पर्टिकुलर ट्रैक पे जा रही होती है और फिर एकदम से कुछ ट्विस्ट आता है, तो वो ट्विस्ट आने के बाद वो मूवी का पूरा समराइजेशन या पूरा प्लॉट चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा तो ये आपको ज्यादा करेक्ट आंसर्स आपको दे सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल इनपुट का। विजुअल इनपुट का जैसे कि मान लीजिए मैं GPT-4 को ये इमेज देता हूँ कि व्हाट विल हैपन इफ आई कट द स्ट्रिंग। सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं तो ये मुझे करेक्ट आंसर देगा, द बलून्स वुड फ्लाई अवे। दैट मीन्स कि GPT-4 को पता है कि इस इमेज के अंदर क्या क्या है। तो जैसे ही GPT-4 इसको एनालाइज करता है कि इस इमेज के अंदर बलून्स हैं जो कि स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो अगर आप स्ट्रिंग्स को कट कर दोगे तो ये आपको करेक्टली जस्ट लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस कि ये आपको बता देगा कि आपके बलून्स जो हैं उड़ जाएंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो नई चीज है इसमें, एक और एग्जाम्पल जैसे कि ये है रीजनिंग कैपेबिलिटीज जो है ChatGPT-4 की वो बहुत ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू ChatGPT 3.5। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप सेम क्वेश्चन जो है या पजल टाइप का एक क्वेश्चन है ये, इसको 3.5 से पूछेंगे तो क्या आंसर देगा और GPT-4 से पूछेंगे तो क्या आंसर देगा। तो ये एक क्वेश्चन है कि बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि ये एक ऐसा पजल है कि जहाँ पे बता रखा है कि तीन फ्रेंड्स का बेसिकली शेड्यूल क्या है कि कोई एक फ्रेंड इस टाइम से इस टाइम फ्री है, फिर उसकी कुछ मीटिंग है, फिर दूसरा फ्रेंड जो है इस टाइम से इस टाइम फ्री है उसकी कुछ मीटिंग है, एंड थर्ड फ्रेंड का भी जो है शेड्यूल दे रखा है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वो अगर तीनों मिलना चाहें तो वो किस टाइम पे मिल सकते हैं। तो ChatGPT जो है आंसर करता है वो है ये कि वो बोलता है कि बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी देयर इज ए 30 मिनट विंडो वेयर ऑल थ्री ऑफ देम आर अवेलेबल विच इज फ्रॉम 4 PM टू 4:30 PM, सो मीटिंग कैन बी शेड्यूल्ड एट 4 PM। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, अगर आप इसको आराम से बैठ के समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई वो 4 से 4:30 के बीच में फ्री नहीं है तीनों फ्रेंड्स, तो वो उस टाइम पे मीटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर GPT-4 से अगर आप पूछते हैं तो जैसे ये बता रखा है कि एंड्रयू का ये टाइम है, जोना का ये टाइम है और हाना का ये टाइम है, क्योंकि आप यहाँ पे GPT-3 ने बोला कि 4 to 4:30 के बीच में मिल सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे GPT-4 हमें बताता है कि कॉमन अवेलेबिलिटी जो है वो आप 12 से 12:30 के बीच में मिल सकते हैं। सो बेसिकली एक पजल है। सो एग्जाम्पल ये है कि अगर आप इसको पजल या थोड़ा ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चन दोगे तो वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको आंसर करेगा। अच्छा अब इसके बाद ये तो हुई जो टॉप हाइलाइटिंग जो न्यू कैपेबिलिटीज हैं, उसके अलावा कुछ और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो इनके ऑफिशियल वेब पेज के ऊपर अवेलेबल है कि GPT-4 का टेस्ट लिया गया डिफरेंट जो कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स हैं जैसे कि और बायोलॉजी ओलंपियाड और यूनिफॉर्म बार एग्जाम, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ChatGPT कहाँ पे स्टैंड किया और बेसिकली GPT-4 का क्या स्कोर था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GPT-4 और GPT 3.5 यानी कि ChatGPT में कितना डिफरेंस है। ChatGPT इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए लेट्स से 10 मार्क्स लेके आया था एंड ये 90 मार्क्स लेके आया। ऐसे ही बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए ये 31 लेके आया था, ये 99 लेके आया, सो विच इज रियली ग्रेट। सो दैट मीन्स कि इसके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन है। और जो कुछ जो चीजें इन्होंने बता रखी है कि वी स्पेंड 6 मंथ्स मेकिंग GPT-4 सेफर एंड मोर अलाइंड, GPT-4 इज 82% लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर डिसअलोड कंटेंट एंड 40% मोर लाइकली टू प्रोड्यूस द फैक्चुअल रिस्पॉन्सेज देन GPT 3.5। दैट मीन्स कि अब कोई प्रोडक्ट पब्लिकली रिलीज होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं उसको मेलिशियसली यूज करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि GPT-4 GPT 3.5 से ज्यादा सेफर है। दैट मीन्स कि लेट्स से कल को कोई स्मॉल किड या टीनेज का कोई बच्चा उसको यूज कर रहा है तो इट अंडरस्टैंड्स बेसिकली कि इसको क्या रिस्पॉन्स देना है।
तो वो इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर इतनी सेंसिबिलिटी है, उतनी वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसको यूज कैसे किया जा सकता है। इसको यूज करने के बेसिकली कुछ तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज जेन्युइन, जो सारे ही जेन्युइन तरीके हैं, बट द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट वन कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है जीपीटी प्लस, जो चैट जीपीटी प्लस अपग्रेड, यू नीड टू अपग्रेड चैट जीपीटी प्लस। इसमें आपका क्या रहता है कि आपको $20 पर मंथ का प्लान है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। दैट मीन्स अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो 1600 रुपये आपको जो है देने हैं महीने के, अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो अपने एजुकेशन पर्पज के लिए, अपने ऑफिस पर्पज के लिए, या किसी भी पर्पज के लिए, तो आपको 1600 रुपये देने हैं, विच इज द फर्स्ट डायरेक्ट वे टू यूज इट। दस से देर आर अनदर इनडायरेक्ट वेज टू यूज इट्स कैपेबिलिटीज इज की चैट GPT-4 जो है डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट बिजनेसेस में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गया है या उनके पायलट फेज में। उनका जो है यहाँ पे कुछ का नाम लिस्टेड है, डुओलिंगो। डुओलिंगो एक ऐप है जो कि बेसिकली आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बेसिकली कन्वर्स करके टेक्स्ट देती है। तो डुओलिंगो के अंदर ये बेसिकली इंटीग्रेट है GPT-4। अगर आप डुओलिंगो के यूजर हैं और या फिर आप डुओलिंगो की ऐप बेसिकली डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, और आप लेट से कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में बेसिकली आप टेक्स्ट दे सकते हो या आपको दूसरी लैंग्वेज में आपको जो है कन्वर्ट करके दे देगा। तो उसमें इंटीग्रेटेड है। एक ये है बी माई आईज, इस प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड है, स्ट्राइप में इंटीग्रेटेड है, और जो कि यूजर लेवल पे है वो यही है। उसके अलावा खान अकेडमी में भी इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, बट खान अकेडमी में भी जो है अभी पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ। मैंने खान अकेडमी का भी जो है ऑफिशियल पेज चेक किया है, उसमें अभी ये पायलट फेज में है। सो बेसिकली कुछ टाइम के बाद जो है खान अकेडमी जो है इसको भी रिलीज कर देगी। सो बेसिकली आप इन तरीके से जो है GPT-4 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज क्या उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।